Android Tech Lovers. 咱们 अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारी मालूमात और आपके पसंदीदा ट्यूटोरियल्स। तो फिर देर किस बात में, आइए और जुड़िए हमारे साथ ताकि हमारा और आपका साथ रहे हमेशा साथ में। ओनली ऑन एंड्रॉइड टेक लवर्स। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड टेक लवर्स। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज का जो ट्यूटोरियल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम एक ऐसी ऐप के बारे में वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हैं जिसकी हमें बहुत डिमांड्स आई थी और उन तमाम डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये ट्यूटोरियल बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं ऊबर एप्लीकेशन के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी हर वीडियो पर लाइक करते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो मैं तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि अब हम 200 अफराद की फैमिली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, इसी बात पे तालियां तो बनती हैं ना। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वही हमारी हमेशा की रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर में एंटर होना है। सबसे पहले हमें सर्च बार पे डबल टैप करना है। उसके बाद हमें सर्च करना है जो हमें एप्लीकेशन रिक्वायर है, ऊबर। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, अब हम इसे ओपन करते हैं। ओके, हम इसके इंटरफेस में मौजूद हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस ऐप में मौजूद हैं और अब हमें यहाँ पर अपना नंबर ऐड करना है। तो मैं नंबर ऐड करती हूँ यहाँ पर। यहाँ जब मैं डबल टैप करूँगी तो एडिट बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर हमने अपना नंबर टैप करना है। चलो मैं अपना नंबर एंटर करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने अपना नंबर एंटर किया, अब मैं देखती हूँ मुझे नेक्स्ट कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक मैसेज आया है कि जब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तब मेरी जो सिम है उस पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो नेक्स्ट बटन पे डबल टैप करती हूँ, अब वेरिफिकेशन कोड आएगा। चलें जी, मुझे मेरा जो वेरिफिकेशन कोड था वो मिल गया है, वो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। मैंने यहाँ अपना वेरिफिकेशन जो कोड था उसको एंटर किया। यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिलता तो आप यहाँ पर डबल टैप करके रीसेंट SMS पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन यहाँ पर डबल टैप करूँगी मैं। अब ये हमसे हमारा फर्स्ट और लास्ट नेम ले रहा है। मैं अपना फर्स्ट नेम एंटर करती हूँ। अब यहाँ पर मुझसे मेरा लास्ट नेम मांग रहा है तो मैं अपना लास्ट नेम एंटर करती हूँ।
नेक्स्ट बटन में डबल टैप करूंगी। यहाँ पर हम इसके इंटरफेस में मौजूद हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वेयर टू, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है वेयर टू, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना जो है जहाँ हमने जाना है ठीक है वहाँ का एड्रेस हमने डालना है। ठीक है, मैं कोई भी जगह सर्च कर लेती हूँ। अब मैं देखती हूँ सर्च करके। IRU College for Blind and Deaf, Nubush, Nizami Road, adjacent, Quaini Exam Mausoleum, Karachi, Pakistan. Exactly. ये जो कॉलेज का एड्रेस है वो बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। अब मैं इसे डबल टैप करती हूँ। App to edit your pickup or drop off. Selected, auto. Selected, auto. ठीक है, यहाँ पर जो है चार किस्म की लाइट आती हैं, लेकिन यहाँ मेरे एरिया में अभी सिर्फ एक ही किस्म की लाइट जो ऑटो मौजूद है, एक होता है ऑटो जिसे हम रक्षा भी कहते हैं, उसके अलावा मोटो, मोटो होती है इनकी बाइक, इसके अलावा होती है गो, गो जो ऐसी कैब होती है उसे कहते हैं गो, मिनी गो, मिनी गो मीन्स जिसमें एसी की जो फैसिलिटी होती है वो मौजूद नहीं होती है। तो मेरे अभी एरिया में ऑटो जो है वो अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर ऑटो दिखा रहा है। आपको जो सूटेबल लगे आप उस पर चेकबॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, अब आपने करना ये है कि आपको जो एड्रेस डालना है वेयर टू में, आपका जो अपना एड्रेस है वो राइडर्स को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी राइड जब वो पिक कर लेंगे, उसके बाद आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि वो आपसे कितना दूर है, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स के फासले पर है। आपके स्क्रीन पे सब टॉकबैक आपको अनाउंस करता रहेगा। उसके अलावा कुछ मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो आपके पास अकाउंट है वो सिम इस मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए, इसी फ़ोन में मौजूद होनी चाहिए आपके पास, वो किसी और फ़ोन में वो सिम मौजूद ना हो। ठीक है, जो आपको कॉल करें जो राइडर होंगे वो आपको कॉल करेंगे तो आपके पास ही सिम मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं देखती हूँ हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। फीड, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फीड, इसमें ये होता है कि आपको जो भी मतलब प्रोमो वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पर आपको शो होते हैं। आपको या तो फिर ये प्रोमोज जो हैं वो फीड में शो होंगे, या तो फिर आपकी जो सिम पे जो है इसका मैसेज आएगा जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कौन से प्रोमोज देने हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है। गूगल मैप, ये जो है वो टॉकबैक किसके साथ अनाउंस नहीं करता, लेकिन ये आपको आपकी जो करंट लोकेशन है वो बता रहा है होता है। लाइक जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पार्शली है या जो साइटेड है वो यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन के टॉप पे आपको आपका जो करंट लोकेशन है वो बता रहा होता है, लेकिन इसके लिए आपके डिवाइस का जो लोकेशन है उसको ऑन होना ज़रूरी है। वेयर टू, ये वही चीज़, यहाँ पर आपने एड्रेस जो है उसे ऐड करना है। मेन्यू देख लेते हैं इसका। आपको ये दिखाया जाता है कि आपने पास्ट में कहाँ कहाँ सफर किया है, आप आगे का जो अपना शेड्यूल है वो कहाँ कहाँ बनाना चाहते हैं, ये आपको तमाम चीज़ें बताता है कि आपने पास्ट में इस राइड को बुक करते हुए और कौन कौन सी जगह पे सफ़र किया है। ये पेमेंट का तरीका है कि डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से जो है पेमेंट करना चाहते हैं या किस तरीके से करना चाहते हैं। हम सेटिंग्स के ऑप्शन को देखते हैं। अकाउंट सेटिंग्स, अच्छा, सिक्योरिटी को मजीद हाई करने के लिए हम लोग इससे ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो कोई और ना मतलब हैक ना कर ले, इसलिए आप इसको जो है सिक्योर भी कर सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू। साइन आउट, यहाँ जब आप डबल टैप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा।
आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस एप्लीकेशन के हवाले से कोई क्वेश्चनिंग करनी है या अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट टू भी आए तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।